हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल की ओर से निकाली गई अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, IOCL जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है, इसके द्वारा ट्रेड अप्रेंटिसशिप, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। IOCL साउदर्न रीजन की ओर से वैकेंसी निकल के आई है और टोटल 400 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। तो दोस्तों सबसे पहले अपन चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया। तो जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो IOCL के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 19 अगस्त 2024 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि सारी जानकारी आपको वीडियो अपलोड होती मिलते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार आप लोगों के लिए नई नई अपडेट्स वो लाता रहता हूँ। दोस्तों ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मार्केटिंग डिवीजन चेन्नई की ओर से जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट नंबर। ऊपर ही ऊपर आपको देखने को मिलेंगे नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिसेज अंडर द अप्रेंटिसेज एक्ट 1961 के तहत साउथ रीजन में वैकेंसी निकाली गई। तो इसमें जो वैकेंसी निकाली गई टेक्निकल और नॉन टेक्निकल अप्रेंटिसशिप की निकाली गई साउथ रीजन, जिसमें तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की अपन बात करें और यहाँ पे जो वैकेंसीज की डिटेल्स है उसकी बात करें, तो तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए यहाँ पे टोटल 5 ट्रेड के लिए 12 वैकेंसी है, सॉरी 8 वैकेंसी निकाली गई। ट्रेनिंग की अवधि यहाँ पे 12 महीने रखा जाएगी। कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पे 7 वैकेंसी निकाली गई, केरला में 20 वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश के लिए 30 वैकेंसी निकाली गई है, तेलंगाना के लिए 30 वैकेंसी है, तमिलनाडु और पुदुचेरी यानी टेक्नीशियन अप्रेंटिसिस की बात करें तो 20 वैकेंसी है, फिर कर्नाटका में टेक्नीशियन अप्रेंटिसिस की 15 वैकेंसी निकाली गई, केरला में 30 वैकेंसी निकाली गई है, आंध्र प्रदेश में 20 वैकेंसी निकाली गई है और तेलंगाना में फिर 20 वैकेंसी निकाली गई है। फिर ग्रेजुएट अप्रेंटिसिस की अपन बात करें तो तमिलनाडु में 85 वैकेंसी है, कर्नाटका में 15 वैकेंसी है, केरला में 40 वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश में 30 वैकेंसी है, तेलंगाना में 30 वैकेंसी है। टोटल 400 पदों के लिए वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सभी स्टेट से आप एप्लीकेशन फॉर्म है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस ये रखे गए कि आप ओनली एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। स्टाइपेंड की बात करें तो जो ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिसिस है उनको 50% स्टाइपेंड का पेमेंट है वो IOCL की ओर से किया जाएगा, और 50% जो पेमेंट है वो बोर्ड के जरिए यानी रिम्बर्समेंट के जरिए किया जाएगा। DBT के थ्रू कैंडिडेट का रिम्बर्समेंट होगा। इसके लिए कैंडिडेट का जो बैंक अकाउंट है वो आधार सीडेड होना जरूरी, लेकिन जो ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकलेगी उसका पूरा पेमेंट है IOCL की ओर से किया जाएगा। अब प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिसिप्लिन कोर्स 1, 6, 11, 16, 21 जिसमें फिटर के लिए 10th प्लस ITI पास आउट होना जरूरी, इलेक्ट्रीशियन के लिए 10th प्लस यहाँ पे ITI पास आउट होना जरूरी, NCVT SCVT का सर्टिफिकेट होना जरूरी, 2 साल का रेगुलर कोर्स होना जरूरी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 10th प्लस 2 साल की ITI होनी जरूरी है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए भी 10th प्लस ITI होनी जरूरी है और मशीनिस्ट के लिए भी 10th प्लस 2 साल की ITI होनी जरूरी है। टेक्नीशियन अप्रेंटिसिस के लिए यहाँ पे कैंडिडेट के पास 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रिकल अप्रेंटिस टेक्नीशियन अप्रेंटिसिस की अप्लाई करेंगे उनके पास भी 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना जरूरी है। इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन अप्रेंटिसिस के लिए भी 3 साल का यहाँ पे डिप्लोमा होना जरूरी है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए 45% का क्राइटेरिया रखा गया है। सिविल के लिए भी 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया, फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 3 साल का डिप्लोमा है वो मांगा गया। उसके बाद पोस्ट कोड 50 से 60 जो नॉन टेक्निकल जिसमें BBA BA BCOM BSc के कैंडिडेट शामिल है ग्रेजुएट अप्रेंटिसिस में जो अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उनके पास ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होने जरूरी है। SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 45% है मार्क्स यहाँ पे रखे गए। जिन कैंडिडेट ने कोरेस्पोंडेंस पार्ट टाइम डिस्टेंस लर्निंग की है वो कैंडिडेट इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए एलिजिबल नहीं माने गए। जिन कैंडिडेट की पहले से ट्रेनिंग चल रही है, जिन्होंने ट्रेनिंग कर ली है वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। सभी प्रकार के यहाँ पे जो डिसिप्लिन एज लिमिट संबंधित जो क्वालिफिकेशन है 31/7/2024 को कम्प्लीट होनी जरूरी है। उसके बाद सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की अपने यहाँ पे बात करें
तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के आधार पे किया जाएगा और मीटिंग के आधार पे किया जाएगा। एज लिमिट 18 से 24 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। ऑनलाइन टेस्ट वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस इसमें होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब ट्रेड अप्रेंटिसशिप जिसमें ITI पास आउट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस जिसमें डिप्लोमा होल्डर शामिल है, उसके लिए पेपर में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, टेक्निकल एक्यूमेन इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, जेनरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स आएगी। और जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे BBA BA BCom उनके लिए जेनरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज है वो यहाँ पे कैंडिडेट को देखने को मिलेगी। यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम में मिनिमम 40% मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है, जिसमें 5 साल की रिजर्वेशन कैटेगरी को छूट है दी जाएगी। उसके बाद में एज में भी यहाँ पे SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। कैंडिडेट को इसका एप्लीकेशन फॉर्म 19 अगस्त 2024 तक फिलअप कर सकते हैं। जो कैंडिडेट ITI पास आउट है उनका अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जो डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस है उनका NATS पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो सभी कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैंडिडेट है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप कर सकता है। कैंडिडेट ओनली एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट कर सकता है, अदरवाइज उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब कैंडिडेट के पास वैलिड email ID और मोबाइल नंबर होने जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट के पास में सेल्फ, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय कैंडिडेट को अपने सेल्फ अटेस्ट या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जिसमें एजुकेशनल एज और अदर जो कम्युनिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे कैंडिडेट को पेश करने जरूरी है। अब यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, तो कैंडिडेट 2 अगस्त से लेकर 19 अगस्त 2024 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। www.iocl.com के अप्रेंटिसशिप सेक्शन में जाके आप ऑनलाइन मोड में इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम के बाद कैंडिडेट है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने जरूरी है। कैंडिडेट के पास में ITI ग्रेजुएशन डिप्लोमा के वैलिड सर्टिफिकेट्स होने के साथ साथ मार्कशीट होनी जरूरी है। इसके अलावा जो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होने जरूरी है। दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। टोटल 400 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। खासतौर से जो साउथ रीजन से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट है उन्हीं के लिए वैकेंसी निकाली गई। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।